आप भूले तो नहीं ना, जिस तरह से पूरी दुनिया नहीं भूली है, आई एम श्योर आप लोग भी नहीं भूल पाए हैं उस पैंडमिक को जो 2019 में कोरोना वायरस के साथ आया था और हमें पता नहीं किस तरह की दुनिया दिखा के गया था। दुनिया भर में सारे लोगों ने इक्वली इस त्रासदी को फेस किया था और कोरोना ने ये जातिवादी धर्म समाज के भेदभाव को मिटाकर सबको उतना ही इम्पैक्ट किया था। हेलो हाय एंड कैसे गाइस एंड वेलकम टू द मिनी टॉकीज। काफी दिनों बाद आई नो, पर मैं क्या करूं, काफी सारी बीमारियों को कॉन्कर करके मैं फिर से आपके पास पहुंच गई हूं आपको फिल्मों के, सीरीज के, एंटरटेनमेंट की दुनिया के बारे में बताने के लिए। चलिए बात करें भीड़ की। तो यार अनुभव सिन्हा जी की जो मूवीज होती है ना, उनका एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है सोशल इश्यूज। अब वो सोशल इश्यूज को उठा के बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाते आए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, मुल्क, थप्पड़, इन सब मूवीज में बहुत ही अंडरलाइन टोन्स में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हमारी सोसाइटी की रियलिटीज क्या है और हम उनके साथ कैसे डील करते हैं। बट उनकी जो लास्ट आउटिंग थी अनेक और अब ये भीड़, दोनों मूवीज में ऐसा लगा कि जैसे सोशल कॉमेंट्री को उन्होंने स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन के ऊपर रख कर बनाया है। देयर आर टू मेनी इश्यूज packed into this movie. जहां भीड़ एक बहुत अच्छी मूवी हो सकती थी because इसकी performances are so powerful. I mean, all the actors have done such a great job. ये सिर्फ social commentary में फंस के रह गई actually. चलिए detail में बात करें। So जैसा मैंने बताया कि इसकी script बहुत ही confusingly written है। काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ जैसे कि तबलीगी जमात का जब वो किस्सा हुआ था और उसके बाद ये मर दिया गया था कि मुस्लिम्स ने फैलाया है कोरोना, विच वॉज रॉन्ग ऑफ कोर्स। किस तरह से व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फैल रही थी कोरोना के काल में और किसी को पता नहीं था कि सच क्या है और गलत क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करें तो कैसे करें। एट द सेम टाइम जब बॉर्डर सील हो गए थे तो माइग्रेंट वर्कर्स का क्या हश्र हुआ था। एट द सेम टाइम प्रेस का क्या रोल था, क्या वो सिर्फ TRP के लिए काम कर रहे थे या कुछ इंसानियत की भी निकल के आई थी। एट द सेम टाइम एक पुलिस ऑफिसर है इसमें जो बचपन से ही जातिवाद से जूझता हुआ लड़ता हुआ आया है। एट द सेम टाइम एक पुलिस ऑफिसर के माँ बाप को भी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बता दिए हैं इस मूवी के जो सब इकट्ठे चल रही हैं पैरेलल स्टोरीज। सो ओवरऑल अ वेरी कंफ्यूजिंग स्क्रिप्ट। सोनाली जैन, अनुभव सिन्हा एंड सौम्या तिवारी ने अगर इसी पूरी स्टोरी को उठा के शायद एक सीरीज बनाया होता, हर एक इश्यू को थोड़ा सा डीप डेल्व किया होता, प्रोबेबली हर एपिसोड में एक डिफरेंट इश्यू को हाईलाइट किया होता, तो शायद भीड़ ज्यादा इम्पैक्टफुल होती। दो आई मस्ट से कि इस मूवी के डायलॉग्स काफी इम्पैक्टफुल हैं, काफी वजनदार स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं, बट ऐसा लगता है कि वो हवा में गुब्बारे की तरह हैं, उनका कोई ग्राउंड नहीं है। सडनली एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में एक बहुत ही हैवी स्टेटमेंट जड़ दिया जाता है। सो एनीवे अनुभव सिन्हा प्लीज यार, आप बहुत अच्छी मूवीज बनाते हो पर अब आपकी मूवीज कंफ्यूजिंग पे कंफ्यूजिंग होती जा रही हैं। अब जहां तक सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन की बात की जाती है तो आपको पता ही है कि ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में है। इट कैन बी सिंबॉलिक टू द टाइम्स, बहुत ही डार्क टाइम्स थे जब पैंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन हो चुका था, हम सब जूझ रहे थे कोरोना से और सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थे माइग्रेंट वर्कर्स। एट द सेम टाइम डायरेक्शन में मुझे लगा कि बीच बीच में जो थोड़े थोड़े स्निपेट्स और शॉट्स डाले हैं माइग्रेंट वर्कर्स के, जहाँ पे उनके पैर छिले हैं, उनके पैर में से खून निकल रहा है, थके हारे वो एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं, वो कहानी के बीच में फिलर्स की तरह डाल दिए गए हैं। सो एक लेवल पे जाके वो थोड़े एग्जॉस्टिंग भी हो जाते हैं। अब जहाँ तक बात करें एक्टिंग की तो भाई राजकुमार राव वेरी डिपेंडेबल एक्टर, भूमि पेडनेकर अगेन अ वेरी डिपेंडेबल एक्टर, पंकज कपूर, आशुतोष राणा, दिया मिर्जा, कृतिका कामरा, वीरेंद्र सक्सेना एंड आदित्य श्रीवास्तव, सब ने ही बहुत ही बेहतरीन काम किया है। राजकुमार राव ने जिस तरह से उस पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है जो एक निचली जाति से है और उसके दिमाग में ये जातिवाद इतना घुस घुस के भरा हुआ है कि उसके लाइफ के हर डिसीजन में ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम भूमि पेडनेकर उनकी गर्लफ्रेंड का रोल कर रही है जो एक ऊंची जाति से है, बट एट द सेम टाइम वो समझती हैं कि व्हाट राजकुमार राव हैज गॉन थ्रू। जहां तक बात आती है म्यूजिक की, बाय मंगेश धाकड़े, म्यूजिक थीम के काफी एप्ट है।
बैकग्राउंड स्कोर भी हमें सिचुएशन की गहराई को बताता चल, एकदम ऐसे कुछ एक्सेप्शनल म्यूजिक नहीं है बट गोज वेल विद द थीम। सो ओवरऑल आइड से देखो यार, भीड़ एक वन टाइम वॉच है, आपको पैंडमिक की सच्चाइयों की झलक फिर से दिखाएगा, बट ये मूवी उतनी अव्वल नहीं है जितनी एक्चुअली अनुभव सिन्हा से एक्सपेक्टेड है। खैर मैंने आपको बता दिया है इसके पॉइंट्स, आपको देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो आप वेट भी कर सकते हैं कि जब OTT पे आएगी तब देख लेंगे। बट इतना सब बताने के लिए जाने से पहले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिनी टॉकीज को, और कॉमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने मुझे मिस किया कि नहीं। बाकी तो लव एंड पीस तो ऑलवेज है, जियो और जीने दो, क्या पता कल होना हो। अंटिल द नेक्स्ट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट, सी या।